दोस्तों आप लोगों ने एम्स का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, और मैं फिर आकर छत्तीसगढ़ से एम्स के बारे में कुछ चीजें काम की बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि आप इलाज के लिए आते हैं किसी को लेकर के एम्स में, वहाँ दोस्तों आपको कई सारे खर्चे वहन करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी यदि बाहर से आते हैं तो एक तो हॉस्पिटल आप एम्स में आइए, इलाज कराइए, प्लस वहाँ आने के बाद आपको खाने पीने का टेंशन, खाना है, चाय है, नाश्ता है, आपको हर चीज बाहर से लेकर के खाना पीना, चाय नाश्ता, हर चीज आपको बाहर से खरीद करके खाना पड़ता है, लेना पड़ता है, पीना पड़ता है, चाय वगैरह जो भी आपको दूध वगैरह। और उसके बाद आपका जो अगला खर्चा आता है दोस्तों दवाओं के खर्चे, उसके बाद आपको मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ये दुनिया भर के खर्चे से आदमी यार परेशान हो जाता है भाई वो इलाज कराने, तो बहुत दिक्कतें आती है। चलिए आज आप, मैं आपको कुछ समस्याएं समाधान कर देता हूँ भाई अपनी तरफ से। और यदि बच गए आपके साथ कोई बच्चे हैं, लेडीज है या बुजुर्ग है, तो और सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप उनके साथ रोड पे नहीं सो सकते, आपको रूम वगैरह किराए में लेना पड़ता है या होटल किराए में लेना पड़ता है जो बहुत महंगा पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो आपको सेफ्टी मतलब सुरक्षित जगह में पे रोक भी सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या लेडीज हो, है ना, और खाना भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जय जोहर जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मेरा नाम है मानेंद्र और राजधानी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ एम्स के ठीक सामने, देख सकते हैं ये एम्स हॉस्पिटल है रायपुर का, और यहाँ ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, ये देखिए एम्स हॉस्पिटल है और मैं अभी खड़ा हूँ गेट नंबर 1 पे। यदि आप दोस्तों आए हैं पीछे पेशेंट वगैरह मरीज वगैरह पे, यहाँ एडमिट करने के बाद आप आइए गेट नंबर 1 पे आ जाइए। गेट नंबर 1 पे आने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, ठीक है, गेट नंबर 1 के सामने खड़ा हूँ, आपको वहां पे आना है और उसके अपोजिट साइड में आ जाना है। देखिए मैं अपोजिट साइड आ चुका हूँ, बीच में डिवाइडर है ना, तो जहाँ से क्रॉसिंग होगा वहां से इस तरफ आ जाइए डिवाइडर, और देखिए सामने गेट नंबर 1 दिख रहा है ना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो उसके बाद 1 नंबर में आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको 1 नंबर आने के बाद कहीं नहीं भटकना है, आपको 1 नंबर गेट के ठीक अपोजिट साइड में, मैं दिखा रहा हूँ, मैं इस तरफ खड़ा हूँ ना, यहाँ से देखिए इस तरफ से उस पार एम्स है, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, तो इस साइड में जिस्ट देखिए ठीक अपोजिट साइड में ये है एक कहना चाहिए संस्था द्वारा संचालित एक यात्रियों के लिए निवास स्थान बनाया गया है जो बहुत ही अच्छा है। यानी कि यहाँ पे एक आदमी का किराया मात्र 150 रुपये लिया जाता है दोस्तों, और 150 रुपये में आपको बढ़िया एक हॉल दिया जाएगा, वहाँ पे आप रुकिए, खाइए, पीजिए, जी हाँ 150 रुपये में आपका रहना और 2 वक्त का खाना फ्री है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पर रुकना और 2 वक्त का खाना बिल्कुल फ्री है। देखिए ये है भाई कन्हैया लाल के नाम से है, ठीक 1 नंबर गेट के सामने है ना दोस्तों, आप यहाँ रुकिए, 2 टाइम खाना खाइए, और वीडियो हेल्पफुल लगे शेयर जरूर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।